नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। सीजन के पहले हाफ में 29 मैच खेले गए थे, जबकि बाकी बचे हुए 31 मैच अब यूएई में खेले जाएंगे। दूसरे हाफ का पहला मैच रविवार 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। ये आईपीएल 2021 का 30वां मुकाबला होगा जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले मैच भारत में हुए थे, लेकिन कोरोना के कारण सीजन को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब मैच यूएई में होंगे, जहां मुंबई और चेन्नई के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। दोनों इस सीजन में पहले अरुण जेटली स्टेडियम में 1 मई को भिड़ी थी। ये एक हाई स्कोरिंग मैच रहा था, जिसमें मुंबई ने आखिरी गेंद पर 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 218 रन बनाए थे, जबकि मुंबई ने केरन पोलार्ड के 34 गेंदों पर नाबाद 87 रनों की पारी की मदद से मैच आखिरी गेंद पर जीत लिया था। अब सीएसके इस हार का बदला लेकर यूएई में शानदार शुरुआत करना चाहेगा। भले ही मुंबई इंडियंस 5 बार खिताब पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन इस सीजन में चेन्नई की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पॉइंट्स टेबल में टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है। चेन्नई ने इस सीजन 7 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई की टीम 7 मैचों में सिर्फ 4 ही मैच जीत पाई है। मुंबई की ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी है। हालांकि इस सीजन अभी तक टीम का मिडिल ऑर्डर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका है। वहीं चेन्नई सभी विभागों में मजबूत नजर आ रही है। चेन्नई को अगर अपनी जीत की लय बरकरार रखनी है तो उसे जसप्रीत बुमराह और राहुल चहर से बचना होगा। वहीं मुंबई को रविंद्र जडेजा और फाफ डू प्लेसिस से पार पाना होगा। दोनों टीमें 31 बार आईपीएल के इतिहास में आमने सामने हुई हैं, जिसमें 19 मैच मुंबई ने तो वहीं 12 मैच चेन्नई ने जीते हैं। चेन्नई जहां इस बार चौथे खिताब के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं मुंबई के लिए अपना खिताब बचाना चुनौती होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।